दोस्तों, दुनिया भर में शिप्स का इस्तेमाल माल ढोने, यात्रियों को इधर से उधर ले जाने, मछली पकड़ने या रिसर्च आदि के लिए किया जाता है। शिप में सेलर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई शिप्स दुनिया में आज मौजूद हैं जो बिना सेलर, क्रू या पैसेंजर के भी चल रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई नहीं है। ये समुद्र की लहरों और करंट्स के साथ अपने आप ही चलते जा रहे हैं। इन शिप्स को घोस्ट शिप या भूथा जहाज भी कहते हैं। ये शिप्स सुनने में, तस्वीरों और मूवीज में दिखने में डरावने तो लगते ही हैं, इन पर किस्से कहानियां भी काफी डराने वाली हैं। ऐसे किस्से कहानियों में एक नाम जुड़ा है, द मैरी सेलेस्टे का। साल 1872 में शराब ले जा रहा ये जहाज अटलांटिक ओशन में पाया गया। हैरानी की बात ये थी कि इसकी सेल्स सारी ठीक थी। इस शिप का सारा सामान भी ठीक था। गायब थी तो लाइफ बोट और कैप्टन की लॉग बुक, और हाँ, सारे क्रू के लोग। अब उन लोगों का क्या हुआ, ये किसी की समझ नहीं आ रहा था। समुद्री लुटेरों का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि सामान वही था। ये अटकलें लगाई गई कि शायद जहाज में खराबी होने की वजह से सारे क्रू के लोग समुद्र में लाइफ बोट से उतर गए होंगे। शायद उन्हें लगा हो कि ऐसा करने से वो बच जाएंगे, पर कोई मदद न मिलने पर भूख और प्यास से ये मर गए होंगे। खैर, सच क्या था ये आज तक कोई नहीं जानता। इसी तरह से साल 1921 में नॉर्थ कैरोलिना यूएसए के पास एक शिप द कैरोल ए डीरिंग को तट पर पाया गया। ये शिप केप हैटरस आइलैंड पर जाकर अटक गया था। इसकी हालत एकदम ठीक थी, पर जहाज पर कोई नहीं था। जहाज में से कुछ लाइफ बोट्स, लॉग बुक ही गायब थी। जांच में पाया गया कि लगभग उन्हीं दिनों और भी जहाज उसी इलाके से गायब हुए थे। पर सवाल ये था कि इस जहाज के सारे लोग कहाँ गायब हो गए थे। इस बात का जवाब कभी नहीं मिल पाया। आपको बता दूं कि ये इलाका बरम्यूडा ट्रायंगल में आता है। कई लोग मानते हैं कि इस जहाज के गायब होने में बाहरी शक्तियों या एलियंस का हाथ था। बरम्यूडा ट्रायंगल की कुछ सबसे बड़ी गुत्थियों में इसका नाम भी जुड़ गया है। अक्टूबर 2014 में कैनेडियन कंपनी NTCL के एक शिप NATL-2 को टॉ करके कैनेडा के पोर्ट टुकटुक याकटुक लेकर जाया जा रहा था कि उसका टो टूट गया। इससे वो शिप समुद्र में अकेला ही भटक गया। इस पर कोई क्रू नहीं था। ये शिप अलास्कन कोस्टलाइन के साथ करीब 2200 किलोमीटर तक खुद ही चलता रहा। ये जगह थी चुकची सी में। अप्रैल 2015 में ये रशिया की सीमा में घुस गया। इसमें बहुत सारा तेल था, जो अगर समुद्र में लीक हो जाता तो पर्यावरण को बहुत नुकसान होता। इस शिप को बचाने के लिए इसलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी सक्रिय हो गया था। आखिर रशियंस ने इस शिप पर पहुंचकर इसको काबू कर लिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अब जो अगला शिप मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं भूत की कहानी सुना रहा हूं। इस शिप का नाम है ऑक्टेवियस। ये मालवाहक जहाज एशिया से इंग्लैंड तक के सफर को पूरा करने के लिए साल 1761 में चला। किसी कारणों से सेलर ने नॉर्थ वेस्ट पैसेज के रूट को चुना। ये रूट चाइना से रशिया की तरफ होते हुए, फिर अलास्का के पास से जाते हुए कनाडा के उत्तर से आर्कटिक ओशन से होकर फिर अटलांटिक ओशन में घुसता है, जहां से ये यूरोप में जाकर मिलता है। इससे पहले अब तो कोई भी इस रूट को इस्तेमाल करके जिंदा नहीं बचा था। शायद इस शिप का कैप्टन इतिहास बनाना चाहता था। खैर, ये सपना अधूरा ही रह गया। ऑक्टेवियस कभी भी लंदन नहीं पहुंचा, यहां तक कि कई सालों तक इसका कुछ भी पता नहीं चला। 1775 यानी 13 साल बाद में वेल के शिकार पर निकले एक शिप हेराल्ड ने ऑक्टेवियस को ग्रीनलैंड के पास भटकता हुआ पाया। इसकी सेल्स टूटी हुई थी और ये बुरी हालत में था। हेराल्ड के सेलर को लगा कि इस शिप में जरूर कुछ लोग होंगे जिनको मदद चाहिए होगी, इसलिए कई लोग ऑक्टेवियस पर आ गए। यहाँ जो नज़ारा उन्होंने देखा वो किसी का भी खून जमा देगा। शिप में कुल 28 लोग थे। सबके सब अपने कमरों में थे। सबकी मौत हो चुकी थी। ये सभी वहाँ की भयंकर सर्दी के कारण जमे हुए थे। शिप का कैप्टन भी ऐसी ही अवस्था में अपने टेबल के सामने बैठा था। उसके हाथ में था एक पेन और सामने शिप की लॉग बुक भी खुली हुई थी। इस लॉग बुक में लास्ट एंट्री थी 11 नवंबर 1762 की। इन सब लोगों की मौत हुए 13 साल हो चुके थे। ये नजारा देखते ही हेराल्ड शिप के लोग जल्दी से उल्टे पैर भागे। उन्हें विश्वास था कि ये शिप शापित है और एक सचमुच का घोस्ट शिप है। वो बहुत डर गए थे।
बाद में की गई जांच में ये भी पता लगा कि शिप नॉर्थ वेस्ट पैसेज के बर्फीले समुद्र को पार करते हुए अलास्का के पास बर्फ में फंस गया था, जिससे अब उसको सिर्फ बर्फ ही चलाने वाली थी। जहाज के लोग कैसे मरे ये राज कोई नहीं जान पाया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस जहाज पर सभी लोगों के शरीर ऐसे ही थे जैसे सबकी मौत तभी हुई हो, हालांकि ये 13 साल पहले हो चुकी थी। ज़ेब्रिना नाम के इस शिप को 1873 में इंग्लैंड में बनाया गया था। 189 टन वजनी इस जहाज में 3 मास्ट थी। 1917 अक्टूबर में जब ये शिप इंग्लैंड से फ्रांस तक की यात्रा कोयला ले जाने के लिए कर रहा था तो अचानक कुछ हुआ। ये जहाज अपने आप फ्रांस के रोजेल पॉइंट नाम की जगह पर तट के पास आ गया था। जब इसकी जांच हुई तो पता लगा कि इस पर सवार सारे क्रू के लोग गायब हैं। शुरुआत में शक गया जर्मनी की यू बोट पर, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 1 का समय था। लोगों ने सोचा कि जरूर जर्मन लोगों ने इस शिप के लोगों को अपना बंधक बना लिया होगा और अपने साथ ले गए होंगे, पर इस शिप पर गोली चलने का एक भी सुराग नहीं था। शिप के सेलर ने कोई डिस्ट्रेस कॉल भी नहीं की थी। इसके अलावा यू बोट के शिप के पास आने के कोई सबूत नहीं मिले थे। आज भी इस शिप के रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। ये भी एक घोस्ट शिप माना जाता है। एक अच्छी तरह से बना हुआ शिप कई दशकों तक समुद्र की लहरों का सामना करते हुए तैर सकता है, पर कोई शिप हमेशा के लिए नहीं रहता। एमवी एल्टा को 1976 में लॉन्च किया गया था। उसने काफी समय तक कार्गो सामान को इधर उधर किया। सितंबर 2018 में ये शिप ग्रीस और हैती के बीच का सफर कर रहा था कि अचानक इस शिप की पूरी बिजली चली गई। समुद्र के बीच में इस जहाज पर सवार लोगों के पास इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं था। 20 दिन बाद इनको एक दूसरे शिप ने देखा और फिर इन सबको रेस्क्यू किया गया। ये शिप तब तक प्यूर्टो रिको के पास पहुंच गया था। क्रू के लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित ले जाया गया। हालांकि इस शिप में कार्गो था, फिर भी इस शिप को ऐसे ही समुद्र में छोड़ दिया गया और गुम हुआ मान लिया गया। पर कहानी अभी आगे भी है। किसी कारण से क्रू के इस शिप पर से जाते ही इस शिप ने अपनी दिशा बदल ली। ये वापस यूरोप की तरफ चल पड़ा। फरवरी 2020 में ये शिप आयरलैंड के काउंटी कॉक आइलैंड जा पहुंचा। पिछले 1.5 साल में इस शिप ने काफी दूरी तय कर ली थी, पर अभी तक इसकी हालत ठीक थी। ये शिप आज भी आयरलैंड के इसी पथरीले द्वीप पर है, जहां ये सैलानियों के लिए एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इसको फिर से इस्तेमाल में लाया जाएगा या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी शिप की कहानी सबसे ज्यादा डराने वाली लगी, मुझे कमेंट्स में बताएं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।